जय श्री राम। इधर हमार स्वामी के निशानी है। यहाँ साची के हो बा, यहाँ के हो बा, के हो के बा, यहाँ के हो जे हमरा के हमारे प्रभु की कथा सुनावत रही के हा जे रघुनंदन के मुद्रिका यहाँ हमरा खातिर लेके आयल बा। कृपा करके दर्शन दी। राउर यहाँ आवल रघुनंदन के यहाँ आवे के संकेत बा। हम उनका बारे में जाने खातिर उत्सुक बानी। हमरा सामने आई, हमरा सामने आई। मैया, हम पवन पुत्र हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं। रउआ हमार प्रणाम स्वीकार करी। अपने आप के रघुनंदन के सेवक कह रहल बा, परंतु वानर और मानव। मैया, हम जानतानी रउआ का सोच रहल बानी। राउर मन के शंका दूर करे खातिर हम प्रभु श्री राम के द्वारा दिहली मुद्रिका लायल बानी। तो हमरा के सब कुछ बता देला, बस इतना और बता दा, ई मुद्रिका रघुनंदन के पास कैसे आयल? मैया, ये वह मुद्रिका है जोन गंगा किनारे केवट के देवे खातिर रउआ प्रभु श्री राम के स्वयं अपन हाथ से देले रहे। मैया, हम रउआ के विश्वास दिलावे खातिर एगो गुप्त बात और बतावतानी। रावण के विमान में जात रउआ अपन कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू के फाड़ के ओकरा में बांध के एगो पर्वत पे फेंक ले रही। हाँ, फेंक ले रही। वो आभूषण पर्वत पे बैठल महाराज सुग्रीव के मिलल। प्रभु श्री राम से मित्रता भइला के बाद महाराज सुग्रीव वो आभूषण जब प्रभु के देखैले तब प्रभु के आंख भर आयल। उनकर आंख से आंसू के धारा बहे लागल। वो बोले, जब हम सुतत रही तो सीता यह पल्लू से हमरा के पंखा करत रही। जब हम प्रातः संध्या वंदन से उठत रही तो सीता यह पल्लू के हमारे चरण में रख के हमारे चरण रज लेत रहे। उनका सब कुछ स्मरण बा। हाँ मैया, प्रभु दिन रात रावरे स्मरण करत रहेले। तो अभी तो कईले काहे ना ले गईले हमरा के यहाँ से। मैया, उनका पता होके तब ना। प्रभु तो रउआ के वन वन खोजत किसकिंधा पहुँचले और महाराज सुग्रीव से मित्रता भइल और उनकर सहायता से राउर खोज आरम्भ भइल। अब हम वापस जाके प्रभु श्री राम के बताई और रउआ विश्वास करी प्रभु यहाँ अवश्य पहुँची हैं। मैया, रउआ थोड़ा धीरज रखी। कैसे धीरज रखी पुत्र? तू नहीं खा जानत हमर कष्ट के। हम यहाँ कैसे रह रहल बानी? हमरा के प्रतिदिन कैसे धमकावल जाला, कैसे प्रताड़ित कयल जाला। ई दुष्ट पापी रावण। मैया, हम सब देखनी और सुननी। एगो पतिव्रता नारी के तेज कैसे त्रिलोकी विजेता रावण के निस्तेज कर देता, हम इहो देखनी। मैया, अब बस रउआ हमनी के आशीर्वाद दी कि हमनी वानर जाति प्रभु श्री राम के साथे यहाँ आई और रावण के सर्वनाश करके प्रभु श्री राम रउआ के यहाँ से ले जाए। तू कहता ना पुत्र, ऐसे हम मान लेता नहीं, परंतु मन में एगो शंका बा। कहाँ महाकाय महाबलवान राक्षस और कहाँ वानर। सब तहरे जैसन होखी है ना। हाँ मैया, सब हमरे जैसन बाड़े, परंतु पतिव्रत धर्म के शक्ति जौन एगो तिनका के तलवार से टक्कर लेवे योग्य बना सकेले, वो शक्ति भी तो हमनी के साथे होखी ना। वो राक्षस बड़ा मायावी बाड़े, तू नईखा जानत पुत्र। हमनियो कुछ कम नईखी मैया। रउआ के आश्वासन देवे खातिर। जय श्री राम। मैया, महाराज सुग्रीव के सेना में हमरो से अधिक बलशाली योद्धा बाड़े। रउआ हमनी के शक्ति के कम मत समझी। रउआ कहीं था यही समय हम रउआ के कंधा पे बैठा के प्रभु श्री राम के पास ले चलता नहीं। केहू में साहस और शक्ति ना होखी जे हमरा रोक सकी। अब हमरा तहरा पर भरोसा बा पुत्र, तू अपन वास्तविक रूप में आ जा। जय श्री राम। मैया, इहे हमार वास्तविक रूप है। लघु रूप तो हम अशोक वाटिका में प्रवेश खातिर धैले रही। देखा पुत्र, रात बीतल जा रहल बा। राक्षसी सबके जागे से पहले तू यहाँ से चल जा। कोनो पहरेदार तरह की यहाँ देख लेलस तब तो का मैया हम उनकरा से डराता नहीं का? वो बात नहीं के पुत्र, यदि लड़े में तेरा कोनो क्षति पहुँचल तब समुद्र लांगल तरह खातिर कठिन हो जाई। यही से तू अभी तहार स्वामी रघुनंदन के पास चल जा। मैया, हम प्रभु श्री राम के गुप्त दूत हैं। यहाँ से जाए से पहले हमार शत्रु के शक्ति, ओकर सेना, ओकर दुर्ग रचना, ओकर अस्त्र शस्त्र के भंडार कहाँ बा और शत्रु के दुर्बलता कहाँ, ये सब जाने के बाद युद्ध के समय इस सब के ज्ञान बहुत काम आवेला। और दूसर बात, हम यहाँ से जाए से पहले शत्रु के मन में आपन स्वामी प्रभु श्री राम के भय बैठावल चाहतानी। मैया, कुछ ऐसा करके गल चाहतानी कि शत्रु कहे कि यदि प्रभु श्री राम के दूत इतना शक्तिशाली बा तो स्वयं श्री राम कितना शक्तिशाली हुई है। मैया, यही से शत्रु के साहस टूटेला। मैया, हम जानता नहीं सूर्य भगवान उदय होके वाला बाड़े। हमरा बहुत भूख लागल बा। हम पहले वाटिका जाके कुछ फल खाता नहीं और फिर कूर खेल करता नहीं। और हाँ मैया, हम जाए से पहले राउर आशीर्वाद और चरण रज लेवे अवश्य आए। जय श्री राम। कैसा ना हो जा। हाँ चला। के कैलस? हाँ के कैलस? ये सब वहां देखा, वहां भी क्यों नहीं के? ए वानर, कहां से आए तू? उधर नीचे। काहे आई? दिखत नीचे हम फल खा रहल बानी। तोहरो चाही का? अरे मूर्ख, ई लंका के महाराज रावण के विशेष बगिया हा। नीचे उतरा। अच्छा, ते दुष्ट रावण के विशेष बगिया हा। चला पकड़ा ओके। जय श्री राम। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी। अरे का हो गई? तू दोनों इतना हाफत का है बड़ा? एगो बंदर लंकेश्वर के बगीचा में वृक्ष तोड़ के फल खा रहल बा। एगो बंदर तू लोग के सामने वृक्ष तोड़ रहल बा और तू लोग देखत रह गईला। हमने ओकरा के रोके के बहुत कोशिश कई नहीं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली बंदर है। एक कार बा तू लोग पे, चला हमरा साथे, हम वो बंदर के पकड़ के दंड देतानी। सैनिक आगे सेनापति जी। तू एगो रस्सी लेके साथ हवा, हम ओकरा बांध के लेके आई। चला सब हमरा साथे। सेनापति जी ये हुए बनानवा। सैनिक लोग रस्सी फेंका ओकरा पे और बांध के ले चला। आवा आवा सेनापति, अब तो हर बारी बा। हम पवन पुत्र हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के सेवक। तो हर दुष्ट राजा श्री राम के भार्या के हर लाइल बा। ओकरा के पाप के दंड देवे खातिर प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ आई है। इस समाचार अपन दुष्ट राजा के दे दिया। देखो बानर, अशोक वाटिका उजाड़त रहल और रउआ सब मुंह देखत रहनी। पहले तई कि इतना सारा पहरेदार सबके होखत, एगो बानर अशोक वाटिका में घुसल कैसे? नायक जाम्बू माली, रउआ हमरा के विश्वास दिलावल चाहतनी कि एगो बानर 20-20 राक्षस के हाथे नहीं खे आ रहल। महाराज, वो कोनो साधारण वानर नहीं छे। पेड़ के ऐसे उखाड़ के फेंकता जैसे कोमल फूल के डाली। ओकरा पास अवश्य कोनो दिव्य शक्ति बा। महाराज, वाटिका सबके राक्षस के मार डालस। यही से रउआ अपन जान बचा के भाग गई। रउआ एगो सेना नायक है जाम्बू माली, और रउआ से ऐसा कायरता की आशा नहीं की कही जा सकत। पिताश्री, रउआ हमरा क्या क्या दी। हम वो तुच्छ वानर के पूंछ से पकड़ के घसीटत यहाँ रवा सामने लाइब। बानर समझ के असावधानी मत बरती हो। बानर जाति में ही बड़का बड़का महाबली योद्धा भइल बाड़े और राजनीति भी यह कहेला शत्रु छोट होके चाहे बड़ रणभूमि में आक्रमण करत पूरा शक्ति के साथे, ताकि एक्के वार में शत्रु ठंडा पड़ जाए। जाओ ना क्या पिताश्री। एगो बात और, शत्रु पे कबो दया मत करी। हा जा। जी पिताश्री। एह लंका के फल तो बहुत मीठा बा, आनंद आ गईल। अब प्रभु श्री राम के पास जाए तक भूख ना लागी। अब तनिक विश्राम कल जाए। लगातार लंका वाला हमरा के विश्राम ना कर दी है सब। अच्छा तई है वो अद्भुत वानर। जी राजकुमार। त तू हवे जौन हमनी के सुंदर बगिया के उजाड़ डाल ले, राक्षस सैनिक सबके मार डाल ले। हम मारे वाला के है, बगिया उजारे वाला के है। ई तो प्रकृति के नियम है। फूल खिलेला, फल बनेला और ओकरा पश्चात टूट के गिर जाला। तो तब बड़ा ही विद्वान मानो लगातार इतना बड़ बड़ बात करता है। तो कहीं नहीं खस जाना कि कोनो राज्य के नियम के उल्लंघन करे से तो और जीवन रूपी फल भी कट के गिर सकेला। स्वागत बाराउ। यदि रउआ हमार जीवन रूपी डाली के तूड़े के सामर्थ्य रखी ले तो रउआ अपन मन की इच्छा अवश्य पूर्ण करी। सैनिक लोग एकरा के पकड़ के बांध दा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।